राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 110वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 2 बजे डॉक्टर बसंतराव देशपांडे मेमोरियल हॉल सिविल लाइंस नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और चांसलर रमेश बैस, साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर टी जी सीताराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और दीक्षांत भाषण देंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी स्वागत परिचय देंगे। इसके अलावा इस समारोह में विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद के सदस्यों के साथ साथ सभी संकायों के डीन उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इस शैक्षणिक वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य निरंतर जारी है। विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित कर रहा है और सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह में विंटर 2021 और समर 2022 में आयोजित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले कुल 108 विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठाचा हा 110वा दीक्षांत समारंभ गुरुवार दिनांक 13 एप्रिल 2023 रोजी दुपारी 2 वाजता डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागृह सिविल लाइन नागपुर येथे संपन्न होता है। या समारंभाचे अध्यक्षस्थान महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे माननीय कुलपति श्री रमेश बैस भूषवतील, तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद ज्याला आपण AICT म्हणतो नवी दिल्ली याचे अध्यक्ष डॉक्टर टी जी सीताराम हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहून दीक्षांत भाषण करणार आहेत। या दीक्षांत समारंभामध्ये जे पदके आणि पारितोषिके घोषित होणार आहे त्याची माहिती अशी की दीक्षांत समारंभात गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना 157 सुवर्णपदके, 9 रौप्य पदके व 29 रोख पारितोषिके असे 195 पारितोषिकांचे वितरण करण्यात येणार आहे। या दीक्षांत समारंभामध्ये देण्यात येणारे पदके पारितोषिकामध्ये सर्वाधिक पदके व पारितोषिके कुमारी नंदिनी समीर सोहनी हिला 7 सुवर्णपदके व 2 पारितोषिके, श्री विकी सुधाकर पडोळे याला 7 सुवर्णपदके, कुमारी अंकुप्रिया रवींद्र कुमार प्रसाद हिला 5 सुवर्णपदके, श्री आदर्श कमलादास गिरीपुंजे याला 4 सुवर्णपदके व 1 रौप्य पदक, श्री सोमराज पुंडलिक गिरटकर याला 4 सुवर्णपदके व 1 पारितोषिक, कुमारी राजश्री बोजराज धवाले याला 4 सुवर्णपदके व 1 पारितोषिक प्रदान होणार आहे। इस दीक्षांत समारोह में 101,722 डिग्री अभ्यर्थियों को डिग्री और 330 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। संबंध कॉलेजों से योग्य डिग्री उम्मीदवारों डिग्री प्रमाण पत्र की फैकल्टी वार संख्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय 32,709, वाणिज्य और प्रबंधन संकाय 27,925, मानव विज्ञान संकाय 25,659, इंटर डिसिप्लिनरी टीच फैकल्टी 8,077, स्वायत्त कॉलेज 7। इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 157 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 29 नकद पुरस्कार सहित कुल 195 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस दीक्षांत समारोह में प्रदान किए गए पदकों पुरस्कारों में सबसे अधिक पदक एवं पुरस्कार सुषमा को प्रदान किए गए। नंदिनी समीर सोहानी ने जीते 7 स्वर्ण पदक और 2 पुरस्कार। विक्की सुधाकर पडोले को 7 स्वर्ण पदक मिले। अनुप्रिया रविंद्र कुमार प्रसाद ने 5 स्वर्ण पदक जीते। वहीं आदर्श कमलादास गिरपुंजे ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते। सोमराज पुंडलिक गिराड़कर ने 4 स्वर्ण पदक जीते और पुरस्कार जीते। वहीं राजश्री बोजराज धबारे ने 4 स्वर्ण पदक जीते। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।